स्टूडेंट्स, आप आशा है आप लोगों से, आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप लोग हमारे बताए हुए कोरोना COVID-19 से बचाव के बताए हुए नियमों के अनुसार चल रहे होंगे, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ा रहा था और ट्रांसलेशन में मैंने कल आपको फ्यूचर कंटिन्यूस बता दिया था, आज आपको बताना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वर्तमान काल, वर्तमान में कार्य का पूर्ण किया जाना होता है। तो मैं बताऊं पहचान क्या है इसकी, आपको बताऊं इस काल के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य वर्तमान में ही समाप्त हुआ पाया जाता है। नियम क्या है इसमें देखिए, नंबर एक, सबसे पहले इसमें देखिए हैज और हैव के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग कहां होता है, ही सी एट एक वचन करता हूं के साथ हैज का प्रयोग, आई वी यू दे प्लूरल करता हूं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हैज या हैव का प्रयोग करना होता है। तत्पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी लिखना पड़ता है। समझ रहे, हैज मैंने बताई दिया, ही सी इट एक वचन कर्ताओं के साथ हैज, और आई वी यू दे बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक पत्र लिख चुका है, राम एक पत्र लिख चुका है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, और मैंने बताया राम क्या है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होगा, है, लिख चुका, लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट और रिटेन। राम हैज क्या कर चुका है, रिटेन ए, और पत्र की अंग्रेजी लेटर, राम हैज रिटेन ए लेटर। जैसे मैं एक फिल्म देख चुका हूं, देख चुका हूं, मैं एक फिल्म देख चुका हूं, देख चुका, क्या बनेगा, आई, और आई के साथ क्या आएगा, हैव, क्योंकि आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ दे, आई हैव, हैव, और आई हैव देखना, देखने का थर्ड फॉर्म सी का, सेकंड सा, और थर्ड सी,
आई हैव सीन, और क्या सीन कर चुका हूं, एक और देखिए, हम ताजमहल देख चुके हैं, या एक हमने ताजमहल देखा है। देखिए मैंने बताया था वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, तो देखिए आ का डंडा लग गया, आ है, हमने ताजमहल देखा है, तो हमने के लिए क्या लिखेंगे, हम से संबंध है वी, और वी के लिए क्या आ जाएगा, है, देखा, सीन आ जाएगा परफेक्ट में, सीन, और ताजमहल जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं उनमें आर्टिकल द का प्रयोग पहले करते हैं, सीन द, क्या कर चुके, ताज महल। अब देखिए ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए, अब मैं आपको बता रहा हूं निगेटिव सेंटेंसेस। क्या बताना है, निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, इसमें कुछ नहीं है, सेम एजर्टिव की तरह है, केवल हैज और हैव के साथ आपको नॉट रखना है, और क्रिया की तीसरी अवस्था जैसी पहले लगती थी वैसी इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था लिखी जाती है। सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज या सब्जेक्ट के हिसाब से हैव का प्रयोग करना है, फिर नॉट लिखना है आपको, इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ईटीसी लिख करके फुल स्टॉप वहां देना है। जैसे उसने एक गाना नहीं गाया है, उसने एक गाना नहीं गाया है, क्या बनाएंगे, उसने की अंग्रेजी ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज, अब नहीं शब्द निगेटिव है, तो नॉट, और क्या है, गाया है, तो सिंग, सैंग, और थर्ड फॉर्म में क्या बनता है, संग, ही हैज नॉट संग, और क्या गाया है, ए सॉन्ग। जैसे एक देखिए, हमने ताजमहल नहीं देखा है, हमने ताजमहल नहीं देखा है, तो क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ क्या आ जाएगा, हैव, फिर क्या होगा, नॉट, और सीन, द, क्या देखा, ताजमहल, ठीक, निगेटिव में हैज और हैव के साथ आपको नॉट लगा के बनाना है इसका। अब आगे देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बताना है, सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए पहली चीज इसमें ये है, मैं हरेक वाक्य में आपको बताता हूं कि क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में जो सहायक क्रिया होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो इसमें क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में किसको लिखेंगे सबसे पहले, हैज या हैव को, और हैज और हैव किसके हिसाब से लिखते हैं, कर्ता के हिसाब से, तो कर्ता क्या है उसके हिसाब से
क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हैज या हैव का प्रयोग कर्ता के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद कर्ता, फिर क्रिया की ऑलरेडी तीसरी अवस्था रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अन्य चीजें होंगी, इसके बाद में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। दूसरा वाक्य डबल इंटरोगेटिव वाली सेंटेंस, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है, ऐसे वाक्यों की हम अंग्रेजी कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें प्रश्न सूचक शब्द को सबसे पहले लिखना होगा, फिर कर्ता के हिसाब से आपको हैज या हैव लिखना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, तत्पश्चात ईटीसी लिख करके वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दीजिए। एक चीज और देखिए, हर वाक्य के लिए बताया नहीं, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होने पर कर्ता के बाद नोट लिखते, इस चीज को विशेष ध्यान रखिए कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक है तो उसको कर्ता के बाद नोट लिखेंगे। जैसे अब देखिए वाक्य पहला, देखिए क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या और हम, करता है हम और क्या लिखा है, तो हम की अंग्रेजी क्या है, वी, और आई वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, हैव का, तो क्या हो जाएगा, हैव आई, आई नहीं वी, हैव बी, और खेल चुकना क्रिया की तीसरी अवस्था, प्लेड, क्या प्लेड कर चुके हैं, क्रिकेट, हैव बी प्लेड क्रिकेट। जैसे क्या उसने तुम्हें पीटा है, क्या उसने तुम्हें पीटा है, तो देखिए क्या उसने, उसने के लिए ही और ही के लिए क्या आएगा, हैज, हैज ही, और क्रिया क्या है, पीटना, पीटने की थर्ड फॉर्म बीट, बीटेन, बीटेन, और किसको बीटेन किया है, यू, हैव ही बीटेन यू। एक और देखिए, तुमने यह पत्र कब लिखा है, आ है, तुमने यह पत्र, देखिए लिखा है वाक्य अंत में, मैंने बताया आ है, तुमने यह पत्र कब लिखा है, तो मैंने बताया डबल इंटरोगेटिव, प्रश्न सूचक शब्द आने पर उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, वैन, और यू के लिए क्या बताया मैंने, आई वी यू दे, और बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग, तो वैन, हैव, यू, और लिखना रिटेन, क्या रिटेन किया है, यह पत्र, दिस लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक वाक और देखेंगे, तुमने मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं
पढ़ाई है, तुमने मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई है। अब देखिए क्यों नहीं पढ़ाई है, क्यों प्रश्न सूचक शब्द है, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, रीजन, रीजन में हमेशा वाई आता है, वाई मुझे, मी उम्मी के लिए क्या जाएगा, हैव, और तुमने, तुम के लिए हैव आएगा करता तुमने है, वाई हैव यू, और मैंने बताया करता के बाद नेगेटिव है तो नॉट। पढ़ाना की थर्ड फॉर्म टॉट, किसको टॉट किया, मी, और क्या टॉट है, इंग्लिश। वाक्य अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, व्हाई हैव यू नॉट टॉट मी इंग्लिश। देखिए ये वाक्य आपके हो गए, अब आप होमवर्क लिखेंगे। उसने मेरी किताब चुराई है, नंबर दो। चिड़िया आकाश में उड़ चुकी हैं, तीसरा। रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आ चुकी है, चौथा। क्या वे आज सो चुके हैं, पांचवा। वह कहां जा चुका है, एक और देखिए। उसने आज क्यों नहीं नहाया है, क्यों नहीं नहाया है, ये होमवर्क आपको कल करके लाना है। कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं।